खबर बसुआ से। बसुआ पंचायत समिति क्षेत्र के जावली के बाट ग्राम पंचायत के कालड़पाल वाले मंदिर पर शुक्रवार को हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना समारोह आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम की अध्यक्षता आदिवासी मीना संघ के प्रदेशाध्यक्ष अमरचंद फौजी ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बांदीकुई विधायक गजराज खटाना, विशिष्ट अतिथि बसुआ पंचायत समिति प्रधान सीताराम मीणा, सरपंच विश्राम मीणा, जिला परिषद सदस्य तेजराम मीणा, पूर्व सरपंच रामकरण सैनी, पूर्व सरपंच छोटेलाल लिटोड़ा। प्रोग्राम की शुरुआत स्वागत से करते हुए बांदीकुई विधायक गजराज खटाना, प्रदेश अध्यक्ष अमरचंद फौजी, प्रधान सीताराम मीणा की हरिराम मीणा फौजी व कालेड़ ग्राम की जनता ने 101 किलो की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। वह सभी अतिथियों का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया, जिसमें पूर्व पंचायत समिति सदस्य श्याम सुंदर व्यास, सरपंच विश्राम मीणा, ग्राम पंचायत जावली बाड़ का भव्य स्वागत किया गया। इस समारोह में बोलते हुए सेवा प्रधान सीताराम मीणा ने कहा कि विधायक गजराज खटाना जो बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के जनता के दिलों में राज करते हैं, इन्होंने बसवा को पंचायत समिति दी, ये विकास में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। यहाँ आने से पहले इन्होंने बांदीकुई को बसवा व कालेड़ को राजगढ़ जाने वाली सड़क जो 16 करोड़ की लागत से जल्द तैयार होगी, जिससे विकास के व आने जाने की दिक्कत नहीं होगी। कालेड़ गांव के लिए आरओ प्लांट लगाया जाएगा जो 14 लाख रुपए का है, जिससे पानी की समस्या हल हो, स्वच्छ पानी मिलेगा। समारोह में बोलते हुए विधायक ने कहा कि धार्मिक आयोजन से भाईचारा कायम होता है व हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम होते रहे, जिससे जनता हम ऐसे प्रोग्रामों में समस्या रख सके। कालेड़ गांव की जनता की तरफ से हरिराम फौजी ने विधायक से जनता की मांग रखी। कालेड़ गांव से मंदिर तक कच्चा रास्ते को सीसी रोड व शाहकार बाबा के नीचे से मंदिर तक सीसी रोड बनाया जाए, जिससे जनता को परेशानी नहीं हो। जिससे पर विधायक गजराज खटाना ने अपने कोटे से जल्द बनवाने का आश्वासन दिया। वह कालेड़ गांव को स्कूल को मिडिल स्कूल से सेकेंडरी की मांग रखी। राजस्थान आदिवासी मीणा संघ प्रदेश अध्यक्ष अमरचंद फौजी ने भी विद्यालय को 10वीं तक करने की मांग रखी, जिससे गरीब परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा व 4 किलोमीटर दूर ना जाना पड़े। विधायक ने इसका भी जनता को आश्वासन दिया कि जैसे ही सरकार विद्यालयों को 8वीं से 10वीं कर देगी तो हम कालेड़ गांव का विद्यालय जरूर 10वीं तक करवाएंगे। इस अवसर पर विधायक गजराज खटाना ने कालेड़ गांव की मंदिर कमेटी व जनता की तारीफ की। हरिराम फौजी का माला साफा पहनाकर स्वागत किया और धन्यवाद किया। इस मौके पर बसवा के रमाकांत मिश्रा, जयराम छापोलार, मनोहर सोडिया, रामफूट भप्पा बप्पू ठेकेदार, फूलचंद मीणा, श्याम सुंदर व्यास व कालेड़ की जनता मौजूद रही। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, तो मैंने सोचा है कि मैं भी खुद हनुमान जी का भगत हूं और ये ऐसा मौका है जिसमें निश्चित रूप से मैं जाऊंगा। और मैं आप सभी भाई जिन्होंने ये हनुमान जी की इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए और जिन्होंने ये मंदिर बनाया, उनकी मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं और आने वाले समय में हनुमान जी उनकी हर काम मनोकामना को पूर्ण करें, ऐसी मैं हनुमान जी से अरदास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। और मैं समझता हूँ आप निश्चित रूप से इस चीज़ में आगे देखेंगे कि आपने जो काम किया है वो आने वाले भविष्य में आपके लिए फलदायक रहेगा और आपको निश्चित रूप से हर तरह से फायदा होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। देखिए, कालेड़ गाँव हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी का लास्ट छोर का गाँव है और जब अभी करीब 3 महीने पहले मेरे से सड़कों के बारे में विभाग के लोगों ने डिस्कस किया और मैं इस रोड पे कई बार पुल्लाना होते हुए मैं बसवा आता हूँ, तो मैंने सोचा कि शायद ये सबसे इम्पोर्टेंट रोड है। और एक बार अभी 2-3 महीने पहले बरसात के मौके पे जब मैं पुल्लाना से निकल रहा था तो इतनी ख़राब हालत थी उस सड़क की, मैंने सोचा शायद सबसे कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे बेकार ये रोड है। तो मैंने सबसे पहले ये कहा कि कितना किलोमीटर रोड है आपके पास, तो उन्होंने कहा साहब करीब 14 किलोमीटर रोड हमारे पास उपलब्ध है जो 5.5 मीटर चौड़ी होगी और करीब 15 करोड़ के आसपास उसका एस्टिमेट है। तो मैंने कहा भाई सबसे पहले आप राजेश पायलट कॉलेज से लेके और जो ये फाटक है आपका कालेड़ का, यहाँ तक की रोड को मैंने मेरी तरफ से उनको आश्वासन कर दिया, सैंक्शन करवा दी और उस रोड का एस्टिमेट बन रहा है और आप निश्चिंत रहिए आने वाले 2-3 महीने में वो सैंक्शन भी हो जाएगा, उसका काम भी चालू हो जाएगा, ऐसा मैं आपको आश्वासन देता हूँ। साथ ही और देखिए, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, आप सीधे
बिना फाटक के आपको बसवा के फाटक का इसका सबका झंझट खत्म हो जाएगा और आप सीधा मानीपुर से जुड़ जाएंगे। अभी जब हम आ रहे थे गांव से अब जहाँ तक, तो ये जो छोटी टूटी हुई रोड है, तो मैं मेरे कोटे से सरपंच साहब से बात करके इसकी भी कार्रवाई करेंगे, कुछ मैं करूँगा, कुछ प्रधान जी करेंगे, इसको आगे तक हम जितना संभव होगा उसका काम करवाएंगे, आप निश्चित रहिए। पानी की इस बात की भी, पानी इस स्कूल के पास में हमने ऑलरेडी एक जो सोलर प्लांट है करीब 14 लाख रुपये का मैं ऑलरेडी भेज चुका हूँ। और कोरोना काल के अंदर भी यहाँ पे काफ़ी चहलकदमी है, आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने मुझे बुला करके यहाँ मान और सम्मान दिया। मैं आपको एक बात अवगत करा देता हूँ, अब हमारे विकास विधायक जी ने इस काले गांव की कायाकल्प करने के लिए, ये गांव लास्ट छोर अलवर को टच करता है, इसका ध्यान पूरा पूरा रखते हुए यहाँ आपको एक इतनी बड़ी सौगात दी है कि आपको सीधा बाल्य विषय काले के लिए कम से कम 16 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन करवा करके और आपके यहाँ 4 साल लगाए विकास करने का, जो बांधी पुल से आप सीधे कनेक्टिविटी रखेंगे, क्योंकि बांधी पुल से आपको जाने में बहुत बड़ी परेशानियां होती थी, मगर आपको ऐसा रोड जो कम से कम 4.5 मीटर चौड़ाई होती, 5.5 मीटर की चौड़ाई होती और ऐसा शानदार रोड मिलेगा ताकि आपकी सब जगह से कनेक्टिविटी रहेगी, आपको आने में जाने में इस क्षेत्र के विकास में हमेशा हमेशा वो काम आएगा। और मैं आपको ये और बता देता हूँ, आपके काले गांव के अंदर एक आरओ प्लांट भी जल्दी से जल्दी स्वीकृत होकर के आपके लिए आ रहा है ताकि लोग सब शुद्ध जल पी लें। यहाँ पानी की बड़ी किल्लत है, मुझे पहले अवगत कराया था विधायक साहब ने, ये बात हमारी सुनकर ये मानी और उन्होंने तत्काल आदेश दिया कि ठीक है वहां आरओ प्लांट आप तुरंत जारी करो, तो आपको पीने के लिए शुद्ध जल मिलेगा। यहाँ एक छोटा सा ये रोड है, तो हम आते वक्त इसी रोड से आए थे, तो मैं विधायक साहब को थोड़ा निवेदन कर ही दिया, मैंने कि साहब ये रोड और खराब होने से फूटो पड़े से थोड़ा सो, तो मैंने किया रोड भी अगर यहाँ से यहाँ तक चले जाए, तो विधायक साहब ने कहते भाई ठीक है इसको भी बनवा दिया जाए। तो आपकी हर मांग हमारे विधायक साहब पूरी पूरी करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और मैं इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी से ये निवेदन करता हूँ, अब आने वाले भविष्य में भी आप हमेशा इन्हीं मंच के माध्यम से छोटे प्रोग्राम में बड़े प्रोग्राम में क्षेत्र की समस्याओं को अवगत कराते रहे ताकि हमारे क्षेत्र का विकास होता रहे, क्योंकि हमारे बीच में जब विकास की गंगा के भागीरथ 24 घंटा हमारी सेवा में रहते हैं, आपकी सेवा में रहते हैं।